हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो लेट अस स्टार्ट। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस की बुक में 7th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि डेमोक्रेसी होने के फ़ायदे हैं या नुकसान, और कैसे हम उसके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस को कंपेयर करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डेमोक्रेसी मतलब वो कितना अच्छा एक तरीका है गवर्नेंस करने का। ओके, दूसरे तरीकों से हम उसे कंपेयर करके देखेंगे एंड ये देखेंगे कि जब हम डेमोक्रेसी को अपनाते हैं तो क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं, एंड ओवरऑल डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहा जा सकता है। ओवरऑल इस चैप्टर में यही सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। सो लेट अस स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि हम डेमोक्रेसी की जो आउटकम्स हैं उनको एसेस कैसे करेंगे। सबसे पहले तो कौन कौन सी आउटकम्स हैं हम वही देख लेते हैं। सो बेसिकली आप डेमोक्रेसी को बेटर क्यों मानते हो? आप इसे बेटर मानते हो क्योंकि यहाँ पे बात होती है इक्वालिटी की, यानी कि समानता की, और यहाँ पे बात की जाती है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल बढ़ेगी अगर डेमोक्रेसी होगी, हर एक व्यक्ति की सेम वैल्यू होगी, और ये क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन मेकिंग में पब्लिक को भी एक्टिव पार्टिसिपेशन का हिस्सा मिल सकता है, या फिर ये जानने का मौका मिल सकता है राइट टू इंफॉर्मेशन या ट्रांसपेरेंसी के कोई अलग तरीकों का इस्तेमाल करके कि कैसे डिसीजन मेकिंग हो रही है। वो सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पता चल सकती हैं, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, वहाँ पर ये जान पाना कि कौन सा डिसीजन किस तरीके से बना है और उसमें कौन सी चीज़ों को ध्यान रख के ऐसा किया गया है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है। और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के एक बहुत ही बेहतरीन और इनोवेटिव तरीके ईजाद किए जाते हैं। ये भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव कारण है कि क्यों लोग डेमोक्रेसी की तरफ इतना आकर्षित होते हैं और उसको पसंद करते हैं। और जो भी गलतियाँ होती हैं उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे एक चांस होता है, यहाँ पे रूम होता है, ऑलवेज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। मतलब कि अगर मान लीजिए एक गवर्नमेंट आई 5 साल के लिए, जिसने बहुत ही बुरा काम किया, एक भी अच्छी योजना पॉलिसी वो लोग नहीं ला पाए, तो यहाँ पे गलती किसकी हुई? गलती जनता की भी है और गलती गवर्नमेंट की भी है। ओके, तो गवर्नमेंट जो है फिर से इलेक्शन लड़के अपनी गलती सुधार के ये दिखा सकती है जनता को कि हमसे जो गलती हुई थी हमने इसको बेहतर कर दिया, या फिर जनता क्या है, जनता अपनी वोट जो है सही व्यक्ति को, सही कैंडिडेट को डालकर अपनी ये गलती सही कर सकती है कि हमने पहले एक ऐसे कैंडिडेट को वोट किया जो कि ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, अब हम ज़्यादा एफिशिएंट लोगों को वोट करेंगे। इस तरीके से गलतियों को सुधारने की मौका यहाँ पे डेमोक्रेसी में हम देख सकते हैं, लेकिन यही चीज़ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में नहीं होती। वहाँ पे एक बार जो राजा बन गया, मतलब जो राजा है वो राजा ही है, और जो व्यक्ति एक बार कह लीजिए सत्ता में आ गया, उसको हटा पाना फिर मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पे डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने का जो कारण है वो उसके अल्टरनेटिव्स को देखकर और भी ज़्यादा हमारा कारण जो है बढ़ जाता है डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने का। हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट इसलिए भी करते हैं क्योंकि दूसरे जो मोनार्की है, मिलिट्री या फिर रिलीजियस लीडर का रूल है, वो और भी ज़्यादा बुरे कॉन्सिक्वेंसेस लाता है, और वहाँ पे गवर्नमेंट और भी ज़्यादा गलत तरीके से, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कम होती है, इक्वालिटी कम होती है, ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन कम होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं, इसलिए लोग डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा पसंद करते हैं। कारण इसका एक और क्या बन गया कि अल्टरनेटिव जो हैं, अल्टरनेटिव्स एक भी ऐसा नहीं है जो डेमोक्रेसी से बेटर हो। ज़्यादातर जितने भी अल्टरनेटिव हैं, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो मिलिट्री या रिलीजियस लीडर का रूल हो, वो उससे कम दर्जे के हैं, ना कि उससे बेहतर। इसीलिए डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है। लेकिन
अब यहाँ पे ये भी एक दिक्कत है कि डेमोक्रेसी जो है उसके उसूल, उसके प्रिंसिपल्स तो बहुत ही खूबसूरत हैं। इक्वालिटी की बात हो रही है, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बहुत से लोग, और ज़्यादातर लोग ही हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की जो प्रैक्टिस है, डेमोक्रेसी को रियल लाइफ में अपनाने की उसकी एप्लीकेशन जो है, उसको देखकर वो खुश नहीं होते, बिकॉज दैट इज़ वेरी बैड। उसकी कंडीशन जो है ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ज़्यादातर हर एक डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही होती है अपने आप को एस्टेब्लिश रखे रहने में, मेंटेन करने में। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको अप्लाई कर पाना काफ़ी टफ होता है। इसीलिए हमें डेमोक्रेसी की जो आउटकम है उसकी तरफ अब हमें दोबारा एक बार रीथिंक करना पड़ेगा कि क्या डेमोक्रेसी सच में एक अच्छा कह लीजिए ऑप्शन है ऑफ गवर्नमेंट मेकिंग या फिर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये सारी चीज़ें हम ओवरऑल इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो बेसिकली बहुत से साल हो गए हैं, 100 कुछ 100 देश ऐसे हैं जो आज के टाइम पे ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं। ओके, हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाते हैं। वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं कि एक तो उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्शन होते हैं और कुछ पार्टीज होती हैं, और वो कुछ राइट्स गारंटी करते हैं अपने सिटीजन को। ज़्यादातर ये सारे फीचर्स जिन कंट्री के पास होते हैं वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं। सो गाइज, यहाँ पे एक सवाल जो हमारे दिमाग में उठता है वो ये भी उठता है कि अगर डेमोक्रेसी इतनी ही अच्छी है, अगर डेमोक्रेसी में इक्वालिटी जैसी चीज़ें हैं, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है, डिग्निटी ऑफ लेबर है, तो अगर इतना सब कुछ है डेमोक्रेसी में, तो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स डेमोक्रेसी एड्रेस क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों उनको सॉल्व नहीं कर पा रही है। ओके, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर डेमोक्रेसी इतनी अच्छी है तो क्या डेमोक्रेसी सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकती है। ये एक सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी इतनी ही बेहतर है तो फिर सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि कह लीजिए कास्ट की प्रॉब्लम, रिलीजन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, जेंडर इक्वालिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स को क्या डेमोक्रेसी एड्रेस कर सकती है, वो भी हमें देखना है। सो बेसिकली यहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कार्टून है जिसमें आप देखोगे कि डेमोक्रेसी है और उसके ऊपर बहुत से पत्थर हैं। तो इसको पत्थरों को हम चैलेंज समझ सकते हैं, और जहाँ पे बहुत सी चीज़ों की बात हो रही है। सबसे पहले तो एक सेपरेट स्टेट चाहिए। ओके, तो एक प्रोटेस्ट है अगेंस्ट द पुलिस एक्सेसेस, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे डेमोक्रेसी को फेस करनी पड़ती हैं। तो गाइज, हम यहाँ पे एक चीज़ जो समझ सकते हैं इस पिक्चर से, वो ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी में, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, आप उस गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से देश दुनिया में ऐसे होते हैं जहाँ पर गलत चीज़ें होती रहती हैं, फिर भी लोग उसके खिलाफ सामने उठकर बोल नहीं सकते। वो गवर्नमेंट्स इतनी ज़्यादा ऑप्रेसिव होती हैं और एनार्किस्ट होती हैं कि वो लोग अपने जो सिटीजन होते हैं उनको बोलने का और आवाज़ उठाने का मौका नहीं देती। और ये जो जैसे पत्थर पड़ रहे हैं, चैलेंजर्स आ रहे हैं, ये चैलेंज वहाँ पे होते ही नहीं हैं। तो हम डेमोक्रेसी को चैलेंज कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, तो ये ओवरऑल में हमें डेमोक्रेसी का एक एडवांटेज मिला हुआ है। इस चीज़ को भी हमें समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पहला स्टेप ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझने के लिए, वो ये होगा कि डेमोक्रेसी अपने आप में कोई ऐसे आ, आ, जादुई चीज़ नहीं है, कोई मैजिक नहीं होगा। अगर डेमोक्रेसी आ जाएगी, इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहली चीज़ तो हमें यही समझनी है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, और अगर ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो इसको अगर हमें सही तरीके से अप्लाई होते हुए देखना है, तो लोगों को ही इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन जो डेमोक्रेसीज ने बनाई हैं। डेमोक्रेसी आपको सिचुएशंस देती है, अच्छे हालात, अच्छे कंडीशन देती है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ, चाहे वो इक्वालिटी का गोल हो, लिबर्टी का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, चाहे वो जो भी कुछ हो। डेमोक्रेसी आपको चांस देती है आपको
कंडीशन देती है, वैसे हालात पैदा करती है डेमोक्रेसी कि आप अपनी आवाज़ उठा पाओ, अपने जितने भी राइट हैं आप उनको क्लेम कर पाओ। लेकिन अगर आप अपने राइट्स को क्लेम नहीं कर रहे हो फिर डेमोक्रेसी धरी की धरी रह जाती है। सो यहाँ पे इन्होंने पहली चीज़ तो यही की है कि डेमोक्रेसी को अगर आपको समझना है, उसके आउटकम्स को समझना है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट ही होती है और वो गवर्नमेंट तभी अच्छे से चलेगी जब लोग उसमें पार्टिसिपेट अच्छे से करेंगे और जागरूक नागरिकों की तरह करेंगे। मूविंग ऑन, अब हम देखने वाले हैं कि ओके सो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इसको हम डेमोक्रेसी के साथ आराम से जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि जो जो गवर्नमेंट होती है वो आम लोगों ने ही चुनी होती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो गवर्नमेंट नो बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल होती है। जिसको जिस गवर्नमेंट को आम लोगों ने, आम सिटीजन ने ही अपॉइंट किया है, तो वो आम लोगों के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो लेजिटिमेट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो दुनिया है, जनता है और जो वोटर हैं, उन्होंने उनको लेजिटिमेसी प्रोवाइड करी है। लेजिटिमेसी मतलब वैध तरीके से वो गवर्नमेंट बना रही हैं, क्योंकि उनको दुनिया ने, मतलब कि जो वोटर है उनका, उन्होंने सपोर्ट किया है, उनको अपना वोट दिया है। इस तरीके से ये एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनकर सामने आती है। सो इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न्ड विद इंश्योरिंग दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर। ओके, तो यहाँ पे लोगों के पास सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट राइट क्या होता है कि लोग अपना रूलर, मतलब कि कौन उनके यहाँ पे गवर्नेंस करने वाला है, ये चीज़ कौन चूज़ करता है? दुनिया चूज़ करती है, लोग चूज़ करते हैं, पीपल, एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स। रूलर्स पर पीपल का, यानी कि लोगों का कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है, एंड रूलर जो कि गवर्नमेंट बना रहा है उसकी भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आम लोगों की तरफ होती है। तो ये एक हो गया हमारा एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है। देयरफॉर यहाँ पे मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी अगर हम देखें तो उसका हम ये कहेंगे कि इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू सिटीजन्स। एक ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि उस गवर्नमेंट को अपॉइंट करने वाले आम लोग हैं, अपॉइंट करने वाले मतलब उनको सत्ता में लाने वाले आम लोग हैं, तो आम लोगों के प्रति उस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एंड वो उनकी एक्सपेक्टेशंस के, उनकी आकांक्षाएं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसके प्रति उन वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं। सो गाइस, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये उठ के आता है कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट होती है? दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट होती हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ से आपको ये वाले पॉइंट्स पे ध्यान देना है। सो गाइस, यहाँ पे हम जब ये देखने वाले हैं कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है या नहीं, तो हम यहाँ पे बेसिकली ये देखेंगे कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से उसका कंपैरिजन एंड फिर समझेंगे कि क्या हो रहा है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसमें रूलर को इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना होता कि कोई डिस्कशन हो, जो भी वो पॉलिसी ला रहे हैं उस पे डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी कानून आएगा, नो डिस्कशन, कोई असेंबली नहीं है, कोई किसी से भी बात नहीं करनी है, जो उनकी मर्ज़ी है वैसा ही होने वाला है। ओके, तो कोई डिलिब्रेशन नहीं है असेंबली में, कोई मेजॉरिटी मिले ना मिले, पब्लिक ओपिनियन कुछ भी हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना डिसीजन सुना देंगे। इसीलिए उनका डिसीजन जो है काफ़ी क्विक होता है और उनका अगर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस देखें तो काफ़ी जल्दी जल्दी वो हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी जल्दी होता है। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी नेगोशिएशन और डिलिब्रेशन की गवर्नमेंट है। यहाँ पे लोग जो हैं, लोगों ने एक हाउस बनाए हुए हैं, लोअर हाउस है, अपर हाउस है, वहाँ पे डिस्कशंस चलते हैं, वहाँ पे डिबेट्स होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई भी बड़ा जो फैसला है वो एकदम से नहीं लिया जा सकता उस पे, खासकर जब बहुत से लोगों की जो लाइफ है उस फैसले से बदलने वाली है, इसलिए वो इतना बड़ा फैसला एकदम से नहीं हो सकता, उसमें डिलिब्रेशन और नेगोशिएशंस की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, इसलिए डेमोक्रेसी में आप डिले देखोगे। तो इस मामले में अगर हम देखें कि डिसीजन मेकिंग कितना जल्दी होता है, उस मामले में डेमोक्रेसी इनएफिशिएंट हम कहते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान देना होगा
कि अगर कुछ टाइम लग गया और एक अच्छा डिसीजन सामने आया तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि ऐसा हो कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि पब्लिक क्या कहेगी, और उन्होंने किसी से डिस्कस डिस्कस नहीं किया है, अपने मन में जो है वो उसी तरीके से गवर्नमेंट चला रही हैं। ये वाला जो है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, ये यहाँ पे डिसएडवांटेज में ही होगी ज़्यादातर चांसेस में, हम ये कह सकते हैं। ओके, तो अगर डेमोक्रेसी में देरी हो रही है तो देरी किसी कारण से है, और वो कारण बहुत बहुत ज़रूरी है, उसको हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। अब हम देखते हैं कि और क्या कारण रह सकते हैं कि हम डेमोक्रेसी को एफिशिएंट कहीं या ना कहीं। सो गाइस, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आपको आंसर लिखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो एफिशिएंसी ऑफ डेमोक्रेसी में। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है टाइम ज़्यादा लेती है, प्रोसीजर फॉलो करती है, लेकिन जो भी उनका डिसीजन होता है वो काफ़ी सही डिसीजन होता है, और लोग भी उनको मानते हैं, मीडिया उनको मानती है, सब लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और जो कॉस्ट है टाइम का वो वर्थ इट है, वर्थ इट। ये चीज़ आप ज़रूर लिखिएगा अपने आंसर में। ओके, तो ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन, सो गाइज, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में नहीं होती। जब हम ये देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है कितनी एफिशिएंट है और कितनी एफिशिएंट नहीं है, तो हमें ये भी देख लेना चाहिए कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा क्या नहीं होता है जो डेमोक्रेसी में ही होता है। देखिए, डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति के पास ये राइट होता है, एंड तरीका भी होता है कोई ना कोई। ओके, तो वो लेटर लिख के, एप्लीकेशन दे के, किसी भी तरीके से वो एग्जामिन कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब किस तरीके से गवर्नमेंट इस नतीजे तक पहुंची, वो चीज़ आम व्यक्ति को पता चल सकता है। इसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ओके, साइंस में हमने ट्रांसपेरेंट पढ़ा होता है, मतलब जिसके आर पार सब कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस तरीके की होती है, उसके आर पार उसका काम हमें दिख रहा होता है। इवन अगर हम देखें कि लोकसभा एंड राज्यसभा, वो तो टीवी पे टेलीकास्ट भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें, उनका डिस्कशन हमें समझ आ रहा होता है, हमें दिख रहा होता है, हम डिस्कशन आराम से देख भी सकते हैं। तो इसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, जो कि हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। ज़्यादातर ये जो ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में बिल्कुल भी नहीं होती है। ओके, तो डेमोक्रेसी जो है वो एक ऐसी गवर्नमेंट लाती है जो प्रोसीजर्स को फॉलो करती है। ओके, तो दैट फॉलोज प्रोसीजर एंड इज अकाउंटेबल टू पीपल। तो वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल भी है और प्रोसीजर को फॉलो भी करती है। ओके, एंड एक ऐसा मैकेनिज्म बनाती है कि जो गवर्नमेंट है उसको सिटीजन्स अकाउंटेबल ठहरा सकें कि आपने ऐसा किया था, एंड ये जो डिसीजन मेकिंग है ये इस तरीके से रॉन्ग हो गई। तो वो सिटीजन जो हैं गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं, एंड मैकेनिज्म बनाए हैं गवर्नमेंट ने खुद, वो मैकेनिज्म जिसके द्वारा सिटीजन हिस्सा ले सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, कुछ नए बिल्स आए थे। एक बिल आया था, यूजीसी को हटाया जाना था। यूजीसी अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप सुन लीजिए। एक ड्राफ्ट बिल आया था जिस पर कि सजेशन मांगे गए थे। तो सजेशन वहाँ पे उस फील्ड में, यूजीसी एक ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जुड़ी हुई है हायर स्टडी से। हायर स्टडी में जो भी प्रोफेसर थे, जो भी एक्सपर्ट्स थे, उनके सजेशन मांगे गए थे। आम पब्लिक के सजेशंस को भी वेलकम किया गया था। तो वहाँ पे हमने देखा था कैसे डिसीजन मेकिंग में आम लोगों का भी एक बड़ा हिस्सा पार्टिसिपेट कर सकता है, लेटर भेज सकता है, ईमेल भेज सकता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे ये गवर्नमेंट जो है आम लोगों के लिए बनी है, आम लोगों की तरफ इसकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और देखते हैं, यहाँ पे जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पे रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं, ओपन पब्लिक डिबेट होती है मेजर पॉलिसीज़ पे, मेजर इश्यूज़ पे। ओके, जो भी बड़े बड़े मुद्दे होते हैं उन पे डिबेट्स होती हैं। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम डेमोक्रेसी में ही देखते हैं। और सिटीजन्स के पास होता है राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड उसकी फंक्शनिंग जो भी हो रही है उसके प्रति आम लोगों के पास राइट होता है कि वो पता कर सकें कि क्या क्या हो रहा है। अब जो डेमोक्रेसी है इसकी ग्रेटेस्ट सक्सेस ये है कि ये इलेक्शंस करवा पाती है हमेशा रेगुलर टाइम पे और फ्री इलेक्शंस, एंड
ऐसी कंडीशंस बना पाती है जहाँ पे ओपन डिबेट्स हो सकें। तो इतनी सिक्योरिटी और इतना अच्छा कंडीशन कह लीजिए, इतने अच्छे हालात हो पाते हैं डेमोक्रेसी में, एक ऐसा समाज बन के आता है जहाँ पे डिबेट्स हो सकती हैं, ओपन पब्लिक एक दूसरे को मुद्दों पर एक दूसरे के साथ वाद विवाद कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं एंड उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। इस तरीके का माहौल सिर्फ डेमोक्रेसीज में देखा जाता है। ओके, लेकिन अगर हम बात करें कि नॉन डेमोक्रेटिक, ओके, सो यहाँ पे इन्होंने अब बात की है कि ज़्यादातर जो डेमोक्रेसीज हैं वो दे फॉल शॉर्ट ऑफ गिविंग एवरी वन इक्वल चांस इन इलेक्शन, हर एक व्यक्ति को इलेक्शन में। सो गाइस, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो हर एक मुद्दे पर तो इलेक्शन करा नहीं सकती कि इस मुद्दे पर जनता क्या कहना चाहती है, ये भी एक चीज़ है जो नेगेटिव इफेक्ट है डेमोक्रेसी का। दूसरा ये है कि अगर हम रियल लाइफ में देखें तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने का ये जो तरीका होता है वो भी कुछ खास नहीं है एज़ फार एज़ द डेमोक्रेसी इज़ कंसर्न्ड। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा, वो शेयर नहीं करी जाती, ये हमने देखा है। लेकिन ये जो बात है ये फिर भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज से हम यहाँ पे बेटर हैं। ओके, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होता है एज़ फार एज़ द ट्रांसपेरेंसी इज़ कंसर्न, या फिर जो भी मुद्दे हम जिस मुद्दों पे हम डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उन मुद्दों पर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का और भी ज़्यादा बुरा परफॉर्मेंस है। सो गाइज, यहाँ पे देखिए इन्होंने अपना नेगेटिव चीज़ें भी लानी शुरू कर दी हैं। इन्होंने अब यहाँ पे ये कहा है कि ठीक है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये कहा जाता है कि ये आम लोगों की नीड्स एंड डिमांड्स की तरफ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यहाँ पे करप्शन भी नहीं होती है, लेकिन रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो ये जो नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ पीपल है इसके बारे में और करप्शन फ्री होने के ये जो दो मुद्दे हैं इस पर डेमोक्रेसी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे हम फिर भी कहेंगे कि इसमें डेमोक्रेसी की कोई गलती नहीं है, इसमें वहाँ पे डेमोक्रेसी की एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। तो डेमोक्रेसी की जो एप्लीकेशन है वो प्रॉब्लमेटिक है जिसके कारण ऐसा देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अब ये बात की है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। वहाँ पे इन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत अच्छा काम कर रही है, देन इट्स ऑल्टरनेटिव। उस वो एक कारण, वो जो एक मुद्दा है वो ये है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट देती है, वैलिड गवर्नमेंट देती है, स्लो हो सकती है, लेस एफिशिएंट एंड नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्सिव एंड क्लीन, लेकिन जैसे भी गवर्नमेंट होती है लोगों की अपनी गवर्नमेंट होती है, एटलीस्ट लोग अपनी गवर्नमेंट को खुद से चूज़ कर पाते हैं और उनको हटा भी सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन आने पर। तो ये हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हम दूसरी गवर्नमेंट में नहीं देख पाते। ओके, सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के पास एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में। जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पे भी लोग जो हैं विश करते हैं कि उनके वहाँ पे भी एक गवर्नमेंट आए जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चलाई जाए, एंड पीपल चाहते हैं, मतलब जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही उनको रूल करें। अब जो डेमोक्रेसी की एबिलिटी है टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, ये भी अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मतलब डेमोक्रेसी का ये जो आइडिया है ये इतना अट्रैक्टिव है, ये इतना यूजफुल है कि लोग इसको इम्पॉर्टेंट समझते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव अचीवमेंट है, पॉजिटिव आउटकम है ऑफ डेमोक्रेसी। सो गाइज, अब हम पहुंच गए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में क्या रिकॉर्ड रहा है और कौन सी कंट्रीज इसमें अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला, अगर आप 50 साल का पीरियड लोगे बिटवीन 1950 एंड 2000, तो आप ये देखोगे कि डिक्टेटरशिप जो है वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है देन डेमोक्रेसी। ओके, इन्होंने ये बताया कि डेमोक्रेसी जो है वो डिक्टेटरशिप से उसका इकोनॉमिक ग्रोथ कम है। सो ये एक चीज़ है जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इस कारण की वजह से हम डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करने लगें, और इस मुद्दे पर हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी जो है एक अच्छी गवर्नमेंट नहीं होती है।
और यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो बहुत से अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, उसका साइज, पॉपुलेशन साइज क्या है, जो ग्लोबल सिचुएशंस क्या हैं उस टाइम पे, कोऑपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज उनको कितना अच्छे से सपोर्ट कर रही हैं, उनकी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या वो अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर बस अपना व्यापार पर ध्यान दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें तय करती हैं कि एक कंट्री जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म करने वाली है इकोनॉमिक तरीके से। ओके, तो अब जो ये डिफरेंस है बिटवीन द रेट ऑफ, अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज और डिक्टेटरशिप का अगर हम देखें एंड डेमोक्रेसीज में, अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मार्जिन देखें तो वो नेग्लिजिबल है। ओके, तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज वो नेग्लिजिबल है। सो गाइज, यहाँ पे बेसिकली इनका ये मतलब है कि जो कम डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे अगर डिक्टेटरशिप हो रही है तो डेमोक्रेसी, तो दूसरी डेमोक्रेसीज से अगर हम उनका कंपैरिजन करें तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। कुछ ऐसे देश जो वैसे ही रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा संपन्न हैं, बहुत प्रॉस्परस हैं, डेवलप्ड हैं, फिर वहाँ पे डिक्टेटरशिप है तो हम हाई रेट्स देख सकते हैं क्योंकि वो लोग डेवलप्ड हैं। एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज में डिक्टेटरशिप के साथ ज़्यादा कुछ खास प्रोग्रेस नहीं देखी जा रही है। ये चीज़ हम यहाँ से ओवरऑल कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक। मूविंग अहेड, अब हम देखने वाले हैं कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी में डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का किस तरीके का परफॉर्मेंस है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में पॉवर्टी के लिए और इनइक्वालिटी के लिए क्या किया जाता है, और सिमिलरली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या किया जाता है। ओके, सो ये जो, सो गाइज, यहाँ पे इन्होंने बताया, सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया कि अल्ट्रा रिच जो लोग होते हैं वो काफ़ी कम नंबर में होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ और इनकम उनके ही हाथों में होती है, और शेयर इनकम ही नहीं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर भी होती है। ओके, और जो लोग बॉटम में आते हैं वो एक कंट्री में, मतलब जो पुअर होते हैं, उनके पास कम रिसोर्सेज होती हैं और कम इनकम होती है, और उनकी जो रिसोर्सेज हैं देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे डिक्लाइनिंग, मतलब कम भी होती जाती हैं, और रिच का अगर हम देखें तो उनकी रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। एक तो उनके पास शेयर भी ज़्यादा होता है और उनकी इनकम बढ़ती भी जाती है। पुअर के पास शेयर कम है और उनकी रिसोर्सेज कम भी होती जा रही हैं। फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ, ये सारी चीज़ों के लिए भी मनी जो है बहुत स्कार्स धीरे धीरे होता जाता है। जैसे ही हम देखते हैं कि रिच एंड पुअर का ये जो डिवाइड है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। सो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है वो बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा कीन होती है पॉवर्टी को एड्रेस करने में। ओके, सो गाइज, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है बांग्लादेश का, जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी में रह रही है। तो बेसिकली ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी हो या कोई और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हो, ज़्यादातर पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को कम करने के लिए बहुत ही कम मेजर्स अपनाए जाते हैं। कुछ तरीके होते हैं जिनको हम इंडिया ने जो जैसे तरीका अपनाया था कि वेलफेयर स्टेट जैसे वर्क करने का, वेलफेयर स्टेट वो होता है जो आम लोगों की जो नीड्स हैं, जो उनकी ओवरऑल फूड है और बेसिक जो उनकी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जब काम करती है उसको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। तो ऐसे कुछ तरीके गवर्नमेंट अपनाती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अगर सब्सटेंशियल वे में हम नहीं देख पा रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट वहाँ पर वर्क कर रही है। एक वेलफेयर स्टेट वाला जो मेथड होता है उसको छोड़कर हम ये कह सकते हैं। तो ओवरऑल जो इक्वालिटी, इनइक्वालिटी और पॉवर्टी है उस पर हम डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का वर्क जो है कंपेरेबल ही कह सकते हैं, कुछ इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मूविंग ऑन, अब हम देखने वाले हैं अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी में क्या करती हैं हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं एंड जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं। सो गाइस, यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है जो कि है बेल्जियम का। बेल्जियम का एग्जांपल हमने
फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, जहाँ पे हमने ये देखा कि कैसे बेल्जियम जैसे कंट्री में जहाँ पर तीन तरीके के लोग रह रहे थे, फ्रेंच स्पीकिंग डच स्पीकिंग एंड जर्मन स्पीकिंग, तो उन लोगों के प्रति एक दूसरे में उनका जो डिस्प्यूट था उसको कैसे कम किया, उसको कैसे संभाला, अकोमोडेट किया उन तीनों कम्युनिटीज़ को एक साथ, ओके, बहुत ही इनोवेटिव तरीका लाकर, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर, ये सारे तरीकों से उस गवर्नमेंट ने जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी उन्होंने अपना काम किया एंड वहाँ पे एक अकोमोडेशन करी, ओके, सोशल डाइवर्सिटी जो थी, डाइवर्सिटी सामाजिक रूप में जो अलग अलग वेरिएशंस थी उनको अकोमोडेट किया, उनको एक साथ लाया और एक ही कंट्री में रखा, उनकी उनके डिस्प्यूट्स को ख़त्म किया। तो ये एक अच्छा एग्जांपल था जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप उठाया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो समझने की ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं होती जो मेजॉरिटी के रूल के हिसाब से ही चलती है, ओके? तो अब जो मेजॉरिटी है, सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे ये होगा कि जो भी मेजॉरिटी है ये कोई फिक्स्ड मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी हमेशा बदलती रहती है और मेजॉरिटी में आने वाले लोग हमेशा बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं? अलग अलग मुद्दों पे हर एक व्यक्ति की अलग अलग राय होती है, अलग अलग स्टैंड होता है, तो आपका जिस भी टॉपिक पर जो भी स्टैंड है उसके हिसाब से आप कहीं माइनॉरिटी में होगे और कहीं मेजॉरिटी में होगे, उस हिसाब से डेमोक्रेसी वर्क करती है। हर एक पॉलिसी पे ये देखा जाता है कि मेजॉरिटी में क्या लोग कह रहे हैं और माइनॉरिटी में लोग क्या कह रहे हैं, और हर एक मुद्दे पर अलग अलग माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ होती हैं, इसलिए हम डेमोक्रेसी को एफिशिएंट गवर्नमेंट यहाँ पे कह सकते हैं। और जो भी माइनॉरिटी होती हैं और मेजॉरिटी होती हैं वो परमानेंट नहीं होती, वो बहुत फ्लूइड तरीका होता है। और देखिए यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ काम करना पड़ता है और ओवरऑल गवर्नमेंट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये जो रूल बाय मेजॉरिटी होता है इसका मतलब ये होता है कि हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले पॉइंट में ही, रूल ऑफ मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि सेम ही लोग हमेशा मेजॉरिटी में रहेंगे, हर एक मुद्दे पर इलेक्शन में अलग अलग लोगों के अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, उस हिसाब से दे फॉर्म द मेजॉरिटी और माइनॉरिटी रिस्पेक्टिवली, ओके? और जो डेमोक्रेसी है ये डेमोक्रेसी तब तक है जब तक हर एक व्यक्ति को मेजॉरिटी में आने का चांस मिला हुआ है, डेमोक्रेसी तब तक ही डेमोक्रेसी कहलाएगी जब तक हर एक व्यक्ति को मेजॉरिटी में आने का मौका मिला हुआ है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ओके? अगर किसी व्यक्ति को मेजॉरिटी में आने का चांस ही नहीं मिला है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, मतलब एक वो किस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं उसके हिसाब से उनको मेजॉरिटी में आने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, तो वो डेमोक्रेटिक रूल नहीं है और अकोमोडेटिव गवर्नमेंट वो नहीं कहलाएगी, ओके? मूविंग ऑन, अब हम बात करेंगे डिग्निटी की, फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स की। तो यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उनका क्या वर्क रहा है और वो कैसे काम करती हैं ये हमें देखना है। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आगे है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में जहाँ तक डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन्स की बात होती है, ओके? तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले तो ये देख लिया कि डेमोक्रेसी का यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम है और ये प्रमोट करती है इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इंडिविजुअल डिग्निटी, हर एक व्यक्ति को रिस्पेक्ट मिलती है फ्रॉम फेलो बींग्स, ओके? जो कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं वो इसीलिए आती हैं क्योंकि किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उनको रिस्पेक्ट और कह सकते रिस्पेक्ट और इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, तो ये जो इक्वल ट्रीट करने का और फ्रीडम मिलने का ये जो तरीका है ये डेमोक्रेसी के सबसे बड़े पिलर्स हैं, ओके? डेमोक्रेसी के सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स यही हैं कि इंडिविजुअल डिग्निटी हो और फ्रीडम हो। तो अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ की मांग कर रहा है कि उनको एक डिग्निटी मिलनी चाहिए, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो उसका मतलब उनके मन में डेमोक्रेटिक ख्याल हैं। तो ऐसा अगर एक पूरा देश ऐसे काम कर रहा है तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगा।
जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं एंड जहाँ पे वो सारे जो बेसिक चीज़ें होती हैं डेमोक्रेसी में वो भी हो रही हैं. ओके अब हम देखना है कि अब डेमोक्रेसी जो है इंडिया में ये काफ़ी स्ट्रेंथन्ड है. क्यों स्ट्रेंथन्ड है ये हमें यहाँ से पता चलता है कि ये जो इंडिया ने बेसिकली काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ये करी है कि हमने इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो इक्वल किया है, स्टेटस इक्वल स्टेटस दिया है और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को. ओके ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता था कास्ट के बेसिस पे हमने इसे रोका है. तो लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कई सारे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज सामने आती हैं, एट्रोसिटीज सामने आती हैं. लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि कानूनी तौर पर वो सारी चीज़ें गलत हैं और आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों को इन कानूनों के तहत सज़ा भी मिलती है. ओके तो हम ये कह सकते हैं कि समाज में कहीं कहीं वो प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं और वो धीरे धीरे कम होंगी, लेकिन फिर भी जो भी लोग ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए सज़ा है और उन लोगों को माफ़ नहीं किया जाता. ओके उस चीज़ को गलत समझा जाने लगा है. इसलिए हम कह सकते हैं कि ओवरऑल इंडिया ने इक्वल अपॉर्चुनिटी और स्टेटस लाने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है जिसके रिजल्ट्स हमें अब दिखने लगे हैं. एंड अब ओवरऑल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये कह सकते हैं जो कि मैंने शुरुआत में भी एक बार कही थी कि पब्लिक एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एज फार एज द डेमोक्रेसी इज कंसर्न. अगर आम पब्लिक यानी कि आम लोग डिससैटिस्फैक्शन शो करते हैं डेमोक्रेसी के खिलाफ तो उसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है. कैसे वो हमें सो गाइज डेमोक्रेसी की जीत इसमें इस तरीके से हुई है कि लोग अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं और ये कह पा रहे हैं कि हमें इस गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है. ओके सो अब लोग जो है डिसीजन सुनकर चुपचाप उसको फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग डिसीजन को क्वेश्चन करते हैं, वो पूछते हैं, वो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत इंफॉर्मेशन मांगते हैं. तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो सब्जेक्ट को सिटीजन में बदल देती हैं. सब्जेक्ट वो व्यक्ति होता है जो हर एक चीज़ को सुनकर उसको फॉलो करेगा एंड रोबोट की तरह उस हिसाब से काम करने लगेगा जिस हिसाब से उसका कह लीजिए बॉस या फिर जो भी रूलर है वो जैसा कह रहा है वो वैसे ही करेंगे. तो ये होता है सब्जेक्ट. लेकिन सिटीजन वो होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. और अगर डेमोक्रेसी के खिलाफ लोगों की अगर क्रिटिसिज्म है तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है कि लोग अपना जो राइट टू एक्सप्रेशन है उसको सामने रख पा रहे हैं. तो वो ये भी उनको बिलीव है आम लोगों को कि उनका जो वोट है उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, इसीलिए वो गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट कैसे रन करती है उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. ओके सो ये था ओवरऑल हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला चैप्टर. हमने इस पूरी वीडियो में उस चैप्टर को टोटली कंप्लीट तरीके से उसको डिस्कस कर लिया है, उसकी समरी कह सकते हो आप. वैसे तो हमने पूरा का पूरा चैप्टर ही देख लिया है. सो आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी. वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहना है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी होती है या नहीं होती है, आपका क्या ख्याल है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए. आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी. वर्क